मैं हिंदू हूं लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता हूं। मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? जो हमारा बीजेपी तो जो कोई नीति नहीं है। बीजेपी नीति हो तो जेजेपी का इसका गठबंधन क्यों होता? नहीं, जिस तरह से धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है या जाति पाति धर्म के नाम, पे जहाँ पे लोग नहीं बहकावे में आएंगे। धर्म धर्म सब धार्मिक है लोग, सबका अपने अपने धर्म में विश्वास है। कांग्रेस का तो सारा हम तो घर घर तक पहुंच गए, आज से हाथ जोड़ो, मैं घर घर तक पहुंच गए तो पन्ना ही पर बैठे हैं अभी तक। है मैं वो हार के उसमें है। तो आज तक हारा नहीं है? अरे वो संवाद करते वो फिर रहे हैं, नाम मेरा ले रहे। देखिए ये जब से ये सरकार आई है, जिस गांव में जाता हूँ ये शिकायत मिलती है। पहले नहरों कितने दिन पानी चलता था, आज कितने दिन चलता है? क्योंकि जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें हमारा मेंबर होना चाहिए, इरिगेशन का मेंबर हमारा होना चाहिए, रहा। और वहाँ से रिलीज पानी कितना होता है उसके ऊपर एक एक बहुत सतर्कता की जरूरत होती है। पूरा पानी कई दफा रिलीज नहीं होता है तो उससे पानी की कमी आती है। आप अपनी विधानसभा के हर गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आज से आते लोगों की तरफ से ज्यादातर किस तरह की समस्याएं आपको सुनने को मिली है? और जो लोग आपके सामने हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है, किसान मजदूर और जितने गांव में व्यापारी है छोटे मोटे, वो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सभी परेशान है सरकार से। क्योंकि एक भी वायदा इसने पूरा किया नहीं। महंगाई में कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है कि हरियाणा नंबर एक है पूरे प्रदेश में बेरोजगारी में। ये कह रहे हैं कि हम तो बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करने का वो तो रहा है। HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, ये कौशल उस निगम में देखो क्या कितने बड़े घोटाले, एक के बाद एक घोटाला और आ रहे हैं। सर आप वायदे कर रहे हैं कि 6,000 की पेंशन होगी अगर आपकी सरकार आती है और पुरानी पेंशन बहाली होगी, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि क्यों नहीं होगा? इतना कर्ज क्यों नहीं होगा संभव? क्योंकि भाजपा भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कर्ज ज्यादा है इसलिए घोटालों की वजह से कर्ज है। शुरू में जब ये कौशल रोजगार के तहत जो बच्चे लगाए गए थे तो इनको ये आश्वासन दिया गया था कि आपको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब उसके विपरीत इनको पक्का ही नहीं हो सकता उसमें, बल्कि उनको तो आप कोई ना कोई वो बनाना चाहिए उनके साथ बड़ी। मैंने तो क्या हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।